everyone, and welcome to Magic Bricks webinar series. This is a platform for consumers to interact with industry experts. My name is Neha Nagpal and I am a moderator for today. The topic of this session is RERA and GST in place, will property prices start going up? We have Mr. Praveen Jain, Chairman and Managing Director of Tulip Infratech and President of NAREDCO, National Real Estate Development Council. NAREDCO is an autonomous self-regulatory body working under Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation Government of India. His role has been outstanding towards the development of housing, commercial projects and infrastructure in the fields of construction and real estate sector. Mr. Jain has an in-depth knowledge about the real estate industry and all its related fields like construction industry and other aspects. I also welcome E. Jayashree Kuru, Head Editorial, Magic Bricks. She has been a business journalist for over two decades with the Times of India, the Economic Times and the Financial Express. She forayed into research in 2002. She is a regular guest columnist with a number of established media including the Times of India and others. Jayashree, over to you. Thank you, Neha. Welcome, consumers. Thank you, Mr. Jain, for joining us. I think before we start and we start taking consumer queries, it would be nice for you to be explaining to the consumers that as of now, as we stand today, with GST in place, with RERA in place, what is the impact on property prices? Mr. Jain, can you hear me? RERA और GST की अगर बात करें RERA से भी ज़्यादा मुझे ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड भी थी पिछले पाँच सालों से आ जाना चाहिए था पाँच साल पहले ये और RERA इसके भी जरूरी था कि बहुत सारे डेवलपर्स अपने चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रहे थे या जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं कर रहे थे बट कई स्टेट ऐसी भी थी जहाँ पर जो RERA के अंदर प्रोविजन है वो स्टेट के अंदर प्रोविजन दिए गए थे पहले भी तो बट कई स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर उस तरह के प्रोविजन नहीं थे और लोगों की मनमानी थी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया था तो कंज्यूमर के हित में है RERA और जीएसटी की अगर बात करें तो वन नेशन वन टैक्स ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ जाएगी चीज़ों में और इंडिविजुअल को पता होगा कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसमें से टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर या टोटल वैल्यू के ऊपर कितना टैक्स मेरी पैसे मेरा टैक्स में जा रहा है और कितना मेरा प्रिंसिपल में जा रहा है बट इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉस्ट का है इशू जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उसके बाद उठाया है कि जो मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज उसमें कॉस्ट में इम्प्लिकेशंस को ज्यादा नहीं आएंगे बट जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि सर्विस टैक्स पहले नहीं था या जो प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है जहां पर लैंड कॉस्ट ज्यादा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है वहां पर प्राइस बढ़ जाएगा थोड़ा सा प्रवीण जी लेट्स गो इनटू द क्वेरीज दैट पीपल आस्किंग एक कंज्यूमर ने पूछा है जीएसटी के आने से होम लोन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं होम लोन में नहीं मुझे लगता है कोई ऐसा फर्क पड़ेगा होम लोन में जीएसटी के आने से फर्क नहीं पड़ेगा रादर ये कहीं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा जो आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और आज जो डिमांड है देश में वो अफोर्डेबल हाउसिंग की मिड सेगमेंट की ज्यादा है अगर एक अभी क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स पूरी तरह समझते नहीं है आई थॉट इट्स गुड टू टॉक अबाउट द नेटिविटी जब ऐसे डेवलपर आप कई मटेरियल खरीदते हैं और उस पर आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है वो आप कंज्यूमर्स को किस स्टेज पे पास ऑन कर सकते हैं देखिए वो किसी भी स्टेज पे पास ऑन हो सकता है हर इंस्टॉलमेंट पे पास ऑन हो सकता है उसमें वो रहेगा ये कि हर स्टेज हर प्रोजेक्ट की स्टेज अलग अलग होगी कंस्ट्रक्शन की आज मान लीजिए किसी ने दो साल पहले कोई प्रॉपर्टी बेची है ये हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट नए लॉन्च होने वाले हैं उसमें तो क्लैरिटी है कि उसमें कॉस्ट अलग है टैक्स अलग है टैक्स एंड यूजर को देना है उसमें कोई इम्प्लिकेशन कोई ऐसा है नहीं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मान लीजिए आपने दो साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी उसमें सारे टैक्सेस उस टाइम इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट वैट और सर्विस टैक्स दो चीज पहले भी अलग थी और आज क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी और मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो कंबाइंड होकर वन टैक्स बन गया जीएसटी बन गया तो उसमें जो बेनिफिट डेवलपर को होगा कॉस्ट कम हो जाएगी कई जगह प्लस जीएसटी आने से तो वो जो बेनिफिट मिलेगा डेवलपर को वो एंड यूजर को पास ऑन करना पड़ेगा जो एंट्री प्रॉपर्टी के अंदर जो बनाया उसमें उसमें भी दो तीन चीजें हैं उसमें ये है कि एक तो वो प्रोजेक्ट की स्टेज क्या है आज मान लीजिए साइज पर प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो वो पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा डेवलपर को जो पूरा पास ऑन होगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर
नहीं जगह ऐसी होगी जहां पर 90% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सिर्फ 10% कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, तो जो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 10% के ऊपर मिलेगा, उसमें लैंड पे कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे बेनिफिट हो रहा है। तो जो भी बेनिफिट होगा वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हर इंस्टॉलमेंट में बड़ा मुश्किल है किसी भी डेवलपर के लिए पता लगा पाना कि मुझे इस इंस्टॉलमेंट में कितना बेनिफिट हो रहा है। उसके दो तीन तरीके लोगों ने निकाले हैं कि या तो हर इंस्टॉलमेंट में कुछ कुछ कम ले लें और एंड में जो टोटल जिस दिन पूरा कंप्लीशन होगा प्रोजेक्ट का उस दिन डेवलपर के सामने सारी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सामने होगी इसमें मुझे कितना बेनिफिट मिला है और वो एंड यूजर को पास ऑन कर दे। अगर वो कम है तो ज्यादा पास ऑन कर दे, अगर ज्यादा पास ऑन कर दिया तो उस सेट अप कर दे फाइनल इंस्टॉलमेंट के अंदर। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि अभी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, पूरी डिमांड लोगों से ले रहे हैं और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट आएगी उसके अंदर जो भी टोटल बेनिफिट होगा वो एंड यूजर को पास ऑन होगा, बट वो डेवलपर को पास ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपर चाहे कि मैं टैक्स पूरा ले लूं और वो बेनिफिट में खुद खा जाऊं, वो पॉसिबल नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जैसे कंज्यूमर कैसे समझ जाएगा कि डेवलपर ने मुझे पास ऑन किया वो बाकी में इतना ही इनको मिला। ये देखिए बड़ा मुश्किल है ये ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, उसमें प्रोजेक्ट पर कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो जनरली हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 12% वो 5.5% से ज्यादा प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, वो मैक्सिमम प्रॉफिट वही होगा डेवलपर को भी होगा। तो 5.5% का मतलब ये मान के चलेंगे 2000 रुपए फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो करीब 100-150 रुपए 150 रुपए के स्क्वायर फुट के आसपास मान के चले। हमने भी कैलकुलेशन की थी वो कि अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं हुआ है, पूरा काम होना बाकी है और डेवलपर जीएसटी आने से पहले प्रॉपर्टी को बेच चुका है तो उसमें 150 रुपए स्क्वायर फुट तक का डिफरेंस आना चाहिए एंड ऑफ द डे। और कहीं अगर 50% काम हो चुका है तो 75 रुपए आएगा, तो वो डिपेंड करता है। तो ऐसा डेढ़ सौ रुपए दे रहे हो तो उसके लिए हम एक गाइडलाइन बना रहे हैं उसके अंदर कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन में जीरो किसी प्रोजेक्ट के अंदर जीरो कंस्ट्रक्शन हुई है और उस डेट से पहले आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हो, सेल कर चुके हो तो आपको 150 रुपए दे रहे हैं। अगर आपने 50% काम कंप्लीट किया है, हो चुका है पहले और 50% बाद में काम होगा तो 75 रुपीज के आसपास आएगा। तो ये हम 4 या 5 स्टेज बना देंगे इसकी, वो स्टेज बना के हम डेवलपर्स में एक बार हम सेपरेट कर रहे हैं कि भाई और सब लोग डेवलपर्स बात को माने कि भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट तो आपको देना ही है। अगर किसी को किसी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है 3000 रुपए आ रही है तो वो ज्यादा पास करेगा। वो जो वेरिएंस होगा आपका तो एक गाइडलाइन है, अपने जेब से कुछ नहीं देना किसी को भी। सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि जो बेनिफिट उनको हो रहा है वही पास ऑन कर रहा है, तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत आने नहीं चाहिए। अभी हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, मैंने सोचा आपको आपसे वही पूछूं। Our property price is going to go up in the next 2 to 3 years because of RERA and GST. Prices बढ़ेंगे RERA GST के वजह से? नहीं, GST से देखिए प्राइस बढ़ने का कोई लिंक नहीं है। GST से सिर्फ प्राइस अगर बढ़ते हैं जनरली बहुत ज्यादा कम होते हैं तो लैंड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि लैंड प्राइस फ्लक्चुएट होती है कि अप्रिशिएट कर रही है डेप्रिशिएट कर रही है तो प्राइस बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो अगर इन्फ्लेशन जो कंस्ट्रक्शन में है वो 7-8% पर एनम के हिसाब से इससे ज्यादा नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि जीएसटी आने से या रेरा आने से कि प्राइस बढ़ जाएगा या एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कहीं अगर लैंड कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगा, बट मुझे लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में आने वाले कुछ 1-2 सालों के अंदर कहीं पर भी लैंड प्राइस बढ़ने की कोई संभावना है। तो कभी के नेट नेट अगर देखें तो जीएसटी के आने से कंज्यूमर पे ये फायदा होगा कि अबाउट 150 रुपीज पर स्क्वायर फुट उनको फायदा होगा फ्रॉम ऑन प्रोजेक्ट। उसको ये देखें कि आप टोटल पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहां पर, वैट भी कोई लोग मनमाने चार्ज करते थे, कोई 2% चार्ज करता था, कोई 4% चार्ज करता था, सर्विस टैक्स फिक्स था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट अब कम से कम ये होगा कि एंड यूजर को पता है कि मुझे प्राइस देना है प्लस 12% जीएसटी देना है
18% जीएसटी है टोटल वैल्यू पे, तो इफेक्टिवली 12% आता है वो, तो मुझे प्राइस पर 12% देना है उसको, 150 रुपये मुझे लेस हो जाएगा। तो अब वो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब चीजों के सामने की भी मुझे मालूम है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, मेरी नेट कॉस्ट क्या है, पहले वो चीजें क्लियर नहीं थी बहुत सारी चीजें। तो डेवलपर अपने तरीके से और जवाब दे ही नहीं, कोई 4% चार्ज कर रहा है, कोई 2% चार्ज कर रहा है, तो अब वो क्लियरिटी आ जाएगी। एक हमारे बायर ने पूछा है, एक हमारे कंज्यूमर ने पूछा है कि इफ आई वांट टू सेल अ प्रॉपर्टी दैट आई हैव बॉट ऑलरेडी, डू आई हैव टू पे जीएसटी एज वेल एज अलोंग विद द परचेस? अगर नहीं, अगर वो रीजन, अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी तैयार है, उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो चुकी है, तो कंप्लीशन कंप्लीटेड प्रॉपर्टी के अंदर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उनको चार्ज करना पड़ेगा और आगे पे करना पड़ेगा, और वो भी जो आज उन्होंने पे किया वो चार्ज कर सकते हैं आगे, वो आगे चार्ज। Are home buyers finding it easy to invest in a new project post the implementation of RERA and GST? आपको लगता है RERA और GST दोनों से कंज्यूमर पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, उनके लिए फर्क क्या सिर्फ इतना, अगर व्यक्ति बात करें तो क्लैरिटी है उनको RERA आने के बाद या जीएसटी आने के बाद, जीएसटी से पता है उनको कितना पैसा मुझे देना है, कितना टैक्स देना है, उनसे कोई ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकता। RERA आने के बाद उनको ये बेनिफिट है कि उनको पता है कि प्रोजेक्ट मेरा मुझे मिलेगा उसके ऊपर सारी RERA से कंप्लायंस पूरा हो चुका है, RERA में रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर RERA में रजिस्टर्ड है तो इट मीन्स वो सारी कंप्लायंस पूरी हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि डेवलपर लाइसेंस आने के बाद या सिर्फ बिल्डिंग प्लान पास होने के बाद प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं और उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होती या मल्टीपल तरह की जो क्लियरेंसेस की जरूरत है वो नहीं होती, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता रहता है या किसी भी वजह से डिले होता है। उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस ऐसे नहीं थी कि उसके ऊपर ये पेनल्टी होगी डेवलपर के ऊपर। अब कम से कम ये है कि आज जिस दिन RERA में रजिस्ट्रेशन हो गया तब वो RERA में रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब वो सारी कंप्लायंस उनकी पूरी हो, 100% उनके पास कंप्लायंसेस पूरी हो। तो जिस दिन 100% कंप्लायंस पूरी होगी तब RERA में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद अगर कोई बायर परचेज कर रहा है तो उसको मालूम है कि मेरा कंस्ट्रक्शन इतने 3 साल में या 2 साल में या 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये उनके राहत की बात है या उनको कॉन्फिडेंस, उनके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ इस बात से कि ये प्रोजेक्ट RERA में कंप्लायंट है। कंज्यूमर्स ये समझना जरूरी है कि RERA आपके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट है, और अगर RERA कंप्लायंस है उस प्रोजेक्ट में, दैट मींस यू आर प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट एंड दैट इज व्हाई RERA इज देयर। अभी नया एक्ट है, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, उसको एड्रेस किया जा रहा है, आई एम श्योर मैरिट को भी अथॉरिटीज के साथ काम कर रही है, और ये पूरी तरह इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री नहीं है, मगर जहां भी RERA इम्प्लीमेंटेड है वहां पे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है। और जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स है, और जीएसटी से ये फायदा होता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है ऑन कितना टैक्स, कितना आपको टैक्स किया जा रहा है और आप कितना टैक्सेस दे रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। एक कंज्यूमर ने पूछा है, इफ अ बिल्डर क्लेम्स दैट ऑल द सीमेंट स्टील एक्सेट्रा वाज बॉट प्रायर टू 1st July प्री जीएसटी, सो नो बेनिफिट कैन बी पास्ड ऑन टू द बायर, इज देयर एनी वे टू चैलेंज देम इन व्हाट दे आर सेइंग विद इट्स करेक्ट और नॉट? इसका एक प्रोविजन है ना तरुण जी? जी, इसका प्रोविजन है कि पिछले 1 साल के अंदर जो भी आपने परचेज की है और वो कंज्यूम नहीं हुआ है तो उसका क्लेम आप ले सकते हैं, उसका जीएसटी में क्लेम मिलेगा। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पूरा स्टील और सीमेंट एक बार ही खरीद लिया जाए और वो 1-2 साल तक कंज्यूम करता रहूंगा। सीमेंट की अगर बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ है, 2 महीने बाद वो सीमेंट बेकार हो जाता है, वो सीमेंट काम का नहीं होता। तो ये अगर कोई डेवलपर क्लेम करता है कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट का स्टील खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया और मुझे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ अगर उसने साइट को कंस्ट्रक्शन हो चुका है उतना 50% अगर कंस्ट्रक्शन हो गया, 50% लोगों से एंड यूजर से वो पैसा चार्ज कर चुका है तो 50% बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जो बैलेंस 50% काम बाकी है जैसे मैंने पहले बताया था उसके ऊपर उनको बेनिफिट मिलेगा, चाहे उनके पास स्टॉक में स्टील हो सीमेंट हो उसका पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा और वो आगे उनको पास ऑन करना पड़ेगा। जिस डेवलपर ने, मान लीजिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में ही सारे क्वेरीज हैं अभी, जिस डेवलपर ने से 80% ऑफ द प्रोजेक्ट बना लिया है, स्ट्रक्चर खड़ी हो चुकी है, तो आप मटेरियल्स यूज कर चुके हैं, तो उस केस में जीएसटी काउंसिल में आपके लिए कोई प्रावधान बनाया हुआ है कि आप कैसे? 80% मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जहां पर 20% बैलेंस रह गया काम मेरा, तो जो 20% पैसे काम के लिए मैं जो पैसा यूज करूंगा उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा और वो मैं एंड यूजर को पास ऑन करूंगा। तो वो ओनली 20% पे ही आप पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर, मगर उसमें ये भी है कि मैं 80% लोगों से डिमांड कर चुका हूं पहले पैसे की और मैंने 80% डबल
अगर आप 80% से कम ही पैसे ले चुके हैं और आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार है, फिनिशिंग बाकी है, तो फिर कंज्यूमर के लिए वो घाटा रहेगा सर? नहीं, देखिए कंज्यूमर को घाटा नहीं रहेगा। अगर मेरा मैंने कंज्यूमर से 80% डिमांड कर दिया है और मेरा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर के साथ बाहर की सर्विसेज डाली है नहीं मैंने डाली, तो क्योंकि एक्चुअली ये बड़ा वेग है कि स्ट्रक्चर के बाबा कितना परसेंट, अगर कंप्लीशन कंप्लीट मानता हूँ, अगर सिर्फ मैंने बिल्डिंग बनाई है तो मैं मानूंगा कि 60% के आसपास मैंने कंप्लीट किया या 65% कंप्लीट किया है। स्ट्रक्चर का मतलब भी है कि मुझे ब्रिक मैंने कर दिया है, प्लास्टर उसमें कर दिया है, शूटिंग उसमें हो चुकी है नहीं हुई मेरी, और आसपास की सर्विसेज हो चुकी है तो 80% हो गया, तो वो भी मतलब खाली स्ट्रक्चर का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने ढांचा खड़ा कर दिया बिल्डिंग का तो वो मेरा इतना परसेंट कंप्लीट हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व होंगी, तो हमें डेवलपर को भी बहुत सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपर बोले मेरा तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और 80% मेरा काम कंप्लीट है और मैं जीएसटी का बेनिफिट नहीं पास करूंगा। जीएसटी का बेनिफिट पास करना पड़ेगा, अदरवाइज कल को जो जो भी प्रॉब्लम आएंगे डेवलपर को वो फेस करने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है, हमारा भी सभी लोगों से अपील है, हमारे सारे मेंबर्स से अपील है कि, और हमने मेंबर्स को दो तीन बार इसमें अदर जीएसटी पर बहुत सारे हमने सेमिनार भी किए हैं, रेरा के पर बहुत सारे सेमिनार हुए हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी सेमिनार किए हैं, लोगों को तैयार किया इस बात के लिए कि आप रेरा पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, पहले लोगों को बड़ा ऑप्शन था इस बात के लिए, बट वो चीजें डेवलपर तैयार हो रहा है, एजुकेट हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर कोई डेवलपर तैयार नहीं होगा इस बात के लिए तो उनको जो भी इसके बाद में झेलने पड़ेगी। तो अगर कोई कंज्यूमर को लगे कि मुझे कोई डिस्प्यूट हो तो वो किसके पास जाए? देखिए अगर कंज्यूमर हमारा भी रिटर्न बनाया हुआ है कि अगर कोई कंज्यूमर को हमारे किसी मेंबर से कोई कंप्लेंट है तो हमें ले सकता है और हम उसको कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए मैटर। रेरा आने से पहले भी मिनिस्ट्री के पास कई कंप्लेंट जाती थी, मिनिस्ट्री हमें रेफर करती थी और हमने कोशिश की उनको मतलब 80% केसेस में वो चीजें रिजॉल्व हो जाती है, मतलब हम कोई अथॉरिटी मतलब ऐसा तो लीगल हम कोई बाउंडिंग नहीं है हमारे पास कि हम लीगल किसी को तैयार कर सके, बट जब कोई कंप्लेंट आती है तो चीजें रिजॉल्व हो जाती है। जनरली नॉर्मली किस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास? नहीं हमारे पास जैसे पहले इससे पहले जो कंप्लेंट आती थी कि डेवलपर ने मेरा पैसे को ज्यादा पैसे चार्ज कर दिया, अब रेरा और जीएसटी आने के बाद तो नहीं होगा, हमें डायरेक्टली कंप्लेंट्स नहीं आई, हमारे जो कंप्लेंट्स पीछे आई थी वो मिनिस्ट्री के थ्रू आई थी, कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री को कंप्लेंट किया, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के रखी, हमने डेवलपर को बोला कि ये तुम्हारे कंप्लेंट्स हैं तो रिजॉल्व करो वापस, अगर नहीं होगी तो हम फिर बीच में पड़ेंगे, तो वो रिजॉल्व हो गई और हमने फिर वापस मिनिस्ट्री को बायर ने और डेवलपर ने बैठ के बीच में चीजों को रिजॉल्व कर लिया। हमारे पास एक कंज्यूमर है कपिल, वो कहते हैं गुड़गांव से हैं, वो कहते हैं इज इट पॉसिबल दैट अ बायर मे हैव टू पे डबल टैक्सेस इन केस ही इज ऑलरेडी पेड 60% ऑफ द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड हिज प्रोजेक्ट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। लाइक लाइक 60% वो कह रहे हैं 60% जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से पहले दे चुके हैं और उनका प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन पे डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? डबल टैक्सेशन होगा इसको सिर्फ ये देखना, जैसे मैंने पहले बताया आपको टोटल कॉस्ट के ऊपर जीएसटी का इम्पैक्ट 12% आया है, क्योंकि 18% टैक्स है टू थर्ड वैल्यू के ऊपर, लैंड वैल्यू बना है और टू थर्ड को ट्रांजेक्शन वैल्यू बना है, तो टोटल इफेक्टिवली 12% आता है। 12% में से सर्विस टैक्स पहले भी पे करना पड़ता था 4.5%, वो सर्विस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उन्हें बैलेंस उनको देना पड़ेगा और 1.5 से 2% के बीच में वैट आता था, तो 6.5% की लाइबिलिटी तो पहले भी थी उसके ऊपर। अब रहा जो डिफरेंस है 5.5% का या 5.5% का, उसकी बात करेंगे अगर हम, तो डेवलपर को ये 60% उन्होंने पेमेंट कर दिया है, 40% करना बाकी है, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन की स्टेज क्या है, अगर वो 60% से ज्यादा डेवलपर कंप्लीट कर चुका है तो बेनिफिट कम देगा, अगर वो 60% ही उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो 40% के ऊपर जो भी बेनिफिट डेवलपर को हो रहा है वो बेनिफिट पास ऑन करेगा, तो उनको इफेक्टिवली डबल टैक्सेशन नहीं आएगा। तो कंज्यूमर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डेवलपर हैज टू offset how much he has constructed with how much more construction is there. If you paid 60% at 5.5%, 4.5 + 1, and the rest you're paying at 12%, but then the developer will be able to give you he gets a pension benefit and he will be able to offset it. Praveen, developer consumer ko remaining amount pe paise kaise compute hota hai? Does it mean that you have to pay less at each stage? उसको थोड़ा कम कर देगा कि मेरी 75 रुपए कॉस्ट कम आ रही है, तो मुझे 100 की जगह 95 प्लस टैक्सेस की कॉस्ट चार्ज करेगा,
उसमें पहले 100 रुपीज आएगा, फिर डिस्काउंट करेगा जो बेनिफिट हो रहा है, जो 95 प्लस आया, मान लीजिए 5 रुपीज डिस्काउंट हुआ या 10 रुपीज डिस्काउंट हुआ, तो 90 प्लस टैक्सेस की डिमांड रेज करेगा वो। मान लीजिए अब 4 इंस्टॉलमेंट रहते हैं, हर इंस्टॉलमेंट में कम होगा या लास्ट इंस्टॉलमेंट में कम? नहीं, ये बात मैंने पहले भी की है कि अगर कुछ डेवलपर हर इंस्टॉलमेंट में कुछ कुछ कम कर रहे हैं, और फाइनल आज डे वन किसी डेवलपर के लिए भी पता लगा मुश्किल है कि मेरे को आज मान लीजिए मैंने इस महीने प्रीपेमेंट ज्यादा की और अगले महीने प्रीपेमेंट कम की, तो इस महीने मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगले महीने कम मिलेगा। एंड ऑफ द डे जो 1 जुलाई से लेकर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में तैयार होता है, तो 6 महीने का कंसोलिडेट डेट देखना पड़ेगा कितना बेनिफिट हो रहा है। वो फाइनल जो सेटलमेंट होगा वो फाइनल इंस्टॉलमेंट में ही होगा। हर इंस्टॉलमेंट में डेवलपर चाहे तो कुछ कम कर सकता है, वो ज्यादा कम कर दे, कम कम कर दे, बट वो सेटलमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट में होगा। The consumers, your settlement will be at the end of the payment cycle. There are developers who can give you discounts in individual installments also. The final settlement is when you have to ensure that you, the developer ensures that you get your the discounts that are due to you. Praveen ji, Mahi hai Greater Noida se. Ye kehte hain ki unhone 100% money developer ko de diya aur ghar ki chabi bhi mil gayi. Agar tower mein नहीं इनका घर इन्होंने पे कर दिया है, डेवलपर ने इनको चाबी दे दी मगर ओसी नहीं, और अभी ये परेशान है कि रेरा आ गया है और इन्होंने घर ले लिया है बिना ओसी के। इनके क्या मैं इसी में कहना चाह रहा है, रेरा में ये है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर ओसी आ चुका है वो रेरा के प्रीव्यू से बाहर है, जिस पे ओसी नहीं आया चाहे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी है वो रेरा के प्रीव्यू के अंदर है। तो अब कुछ डेवलपर मुझे पता लगा है नोएडा के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि कई वजह से जब जहाँ पर ओसी नहीं आया और बायर का प्रेशर था, वो चाबी तो दे चुके हैं बट उसमें लोगों ने शिफ्ट भी कर लिया, बट वो रेरा में कंप्लाइंस रेरा की करनी बाकी है उसके अंदर, क्योंकि उसका ओसी नहीं आया था। अगर उसका ओसी नहीं आया तो बिल्डर को कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, और अगर उसका ओसी आ चुका है तो बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपाई ना होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई पूरी बिल्डिंग जो बिकी थी इनिशियली वो सारे एंड यूजर है या नहीं है, और एंड यूजर है तो कितने एंड यूजर है, तो वो बिल्डर कहीं बिल्डर को जैसे ट्यूलिप की बात करें तो हम लोग तो ये करते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग को हमने अगर एंड यूजर को नहीं बेचा है, अगर इन्वेस्टर को बेचा है, तो हम तैयार करते हैं कि भाई आप खाली प्रॉपर्टी को लीज पे दे दीजिए। और अब तो गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी एंड यूजर के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को खाली रखता है, अगर वो प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देगा तो खाली रखने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। जो नोशनल रेंट अभी निकाला है इन्होंने 1 अप्रैल 2017 के बाद से कि नोशनल रेंट हर एक को पे करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी को खाली रखते हैं, तो वो लगता है मुझे धीरे धीरे चीजें कम हो जाएंगी और प्रॉपर्टी बढ़ने शुरू हो जाएगी, एंड यूजर के बारे में प्रेशर होगा कि मैं प्रॉपर्टी किराए पर लूं। तो माही, आप आपकी जो प्रॉपर्टी है जो ओसी नहीं आया है, आप इंश्योर करें कि आपके डेवलपर ने ये रेरा में रजिस्टर किया है, बिकॉज इफ देयर इज नो ओसी द प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा, दैट इज द रूल। एंड अगर उन्होंने नहीं किया, आप अपने डेवलपर पर प्रेशर डालें कि वो रेरा में रजिस्टर करें और सारे एप्लीकेशन देके आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिलाए। मोहन नोएडा से लिखते हैं, हाउ डू यू एंश्योर डिलीवरी इज डन टाइमली इन केस बिल्डर की चेंजिंग द पोजेशन डेट ऑफिशियली? प्रवीण जी, ये आगे एक और क्वेरी हमारे पास आई थी, आप शायद दोनों को एक साथ आंसर कर सकें, कि एक प्रोजेक्ट है लखनऊ में जो 2006 में बिका था, 2009 में डिलीवर करना था, 2017 तक वो दिया नहीं है, और अभी रेरा में डेवलपर ने 2023 का डेट डाल के रेरा में अप्लाई किया है कि हम 2023 में डिलीवर करेंगे। तो बायर ने 2006 में खरीदा था और 2023 तक वो वेट कर रहा है, वो किसके पास जाए, रेरा के पास, कंज्यूमर कोर्ट के पास, क्या करना चाहिए? और रेरा के तहत टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा था कि ये प्रोविजन उसके रखा गया था अंदर कि जो प्रोजेक्ट डिले थे, रेरा ने बोला कि आप आज जो ऑनगोइंग के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो आने वाले प्रोजेक्ट है पीछे प्रोजेक्ट इस तरीके को दिक्कत नहीं आएगी, आने वाले जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपर्स को ये बताया पूछा गया था कि आप पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में तैयार करेंगे, अगर 6 दिन में करेंगे तो आप बता दीजिए 6 दिन में करेंगे, बट उसके अंदर प्रोविजन है कि उसमें जो
भी पेनल्टीज हैं उनको देनी पड़ेगी एंड यूजर को, और इसमें जो ब्लैक वायर एग्रीमेंट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेरा में जा सकते हैं, आपसे कंप्लेन कर सकते हैं कि हमने 2006 में खरीदा था, 2009 में मिला था इसका, या अगर 2009 में पोजिशन मिलने के बाद आज 2017 में रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं और 2023 की बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरी जिंदगी इंसान की उसी में चलेगी के अंदर की मैं, और इसमें कितना पैसा उन्होंने दिया है ये भी देखिए, वो क्या 100% पेमेंट कर चुके हैं या सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया था उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, तो रेरा में उसकी बटन कंप्लेन की जा सकती है। मगर वो रेरा में जा सकते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, है ना? जी। देयर इज अ कंज्यूमर हु सेज इफ आई हैव बॉट अ हाउस इन फ्लैट इन 2013 एट 25 लाख एंड आई सोल्ड माय प्रॉपर्टी इन ऑगस्ट 2017 फॉर 37 लाख, विल आई हैव टू पे टैक्स ऑन दैट प्राइस? आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस ऑफ अ हायर प्राइस, सो फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड द टोटल अमाउंट बिफोर उसमें क्या है कि जो भी अगर आपके पास तो एक ही प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, बट उनको अपने 3 साल में प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। और दूसरा अगर वो एक प्रॉपर्टी और थी, ये सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था और वो 22-25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 17 में प्रॉपर्टी बेची, तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन है या शॉर्ट टर्म जो भी होगा उसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से पूछें कि क्या करना है। There is Meeta Mistri who asks, if we want to purchase old construction, then also is GST applicable? Old construction? Old construction may be GST applicable hai? Nee, maine jaise old construction mein GST applicable, agar wo project complete hai, to GST applicable nahi hai, agar uska OC aa chuka hai. Jo under construction, agar aaj wo naya property khareed rahe hain, to wo buyer aur developer ke beech ki baat hai ki wo GST charge kar raha hai ya GST nahi charge kar raha. अगर कोई प्रॉपर्टी डेवलपर ने बना दी है और उसका ओसी नहीं आया है तो बिल्डर 100% जीएसटी चार्ज कर सकता है, वो रेट नेगोशिएट कर सकते हैं कि मैं प्रॉपर्टी ये प्राइस दे दूंगा। ये जो एंट्री प्रॉपर्टाइजिंग आया है वो उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी जीएसटी आने से पहले खरीद ली है और उसमें सारे टैक्स इन्वॉल्व थे उस दिन, आज बिल्डर दोबारा डबल टैक्सेशन नहीं मांग सकता। जो प्रॉपर्टी अगर बायर आज ही आज के डेट में खरीदा है जीएसटी आने के बाद, तो पूरा जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसमें रेट नेगोशिएट डेवलपर तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर उसी नहीं आया तो बिल्डर से डिमांड कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि उससे जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं कि आपका उसके पास उसी है या नहीं है, अगर उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है तो उस पे जीएसटी क्लियर नहीं होगा, अगर नहीं है तो जीएसटी देना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है। एक कंज्यूमर है जो कहते हैं कि मैं आई एम अ विक्टिम ऑफ प्लॉट सेल्स, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग फुल पेमेंट फॉर द प्लॉट इट हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू माय नेम येट, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द बिल्डर एंड द सेल्स कंपनी बेस्ड इन मुंबई, आई नीड हेल्प टू गेट द प्लॉट अंडर माय नेम एज इट इज 2.5 years लॉन्ग, व्हाट कैन आई डू? और अगर इनका डेवलपर के साथ ना हो कि सेल्स कंपनी के साथ है तो ये मैकेनिज्म तो पहली बार मेंशन दबा रहे हैं। कंज्यूमर्स व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी नो मैटर होम यू आर बाइंग इट फ्रॉम, योर बिल्डर बाय एग्रीमेंट हैज टू बी विद द डेवलपर एंड द लायबिलिटी इज ऑन द डेवलपर टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट, इफ यू हैव मेड दिस एग्रीमेंट विद अ मार्केटिंग कंपनी देन द लायबिलिटी इज नॉट ऑन द डेवलपर एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर your agreements are in place with the developer. Hamara ek Ved ek consumer hai, ye poochte hai ki we paid full MVAT and paid 50% of the amount to be paid to under construction but still have been asked to pay 12% GST. Ye pura MVAT de chuke hai aur 50% amount bhi de chuke hai. Inko GST ka kya implication rahega? इसमें वही बात आएगी कि जो कंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट पर कितना हुआ है, अगर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं हुआ तो पूरा बेनिफिट इनको पास ऑन होगा,
और अगर कंसेशन 50% या जितना इन्होंने पेमेंट किया है उतना ही कंसेशन हुआ है तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उस पे इनको बेनिफिट पास ऑन होगा, तो इनको कोई ज्यादा इंप्लीकेशन नहीं आएगा। We have another query. I have recently got possession of my house, but facilities such as swimming pool and club are still not open for residents. There are a few more towers left in the project. What should I do? Praveen ji, ये हमारे पास ऐसे बहुत queries आते हैं। इन्होंने शायद एक पांच बारह टावर का प्रोजेक्ट है, पांच डिलीवर हो गई हैं। इनको कहा गया कि बाकी फैसिलिटीज स्विमिंग पूल वगैरह क्लब हाउस वगैरह इनको मिलेंगी। अभी बाकी जब बाकी टावर्स आ जाएंगे शायद सब कुछ आ जाएगा। अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं मिला है, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए डेवलपर को बात करना चाहिए। अभी रेरा में ये प्रोविजन रखा गया है कि जब प्रॉपर्टी डेवलपर के लिए रखा गया है कि जब भी प्रॉपर्टी आप सेल करोगे तो आपने क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं। अगर आपने जो भी सर्विसेज प्रोमिस किए हैं कि अगर आपने स्विमिंग पूल किया है, टेनिस कोर्ट किया है, वो फर्स्ट फेज में आपको कम्प्लीट करना पड़ेगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट फेज में नहीं करोगे तो उसी नहीं मिलेगा। तो आपको सारी सर्विसेज जो भी आपने ले करनी है हाउसिंग के अंदर या जो भी अमेनिटीज आपने देनी है वो फर्स्ट फेज में करनी पड़ेगी। और सेकंड फेज में आप बिल्डिंग लेके जा सकते हैं बट सर्विसेज नहीं लेके जा सकते। बट ये पुराने केस में जैसे जो आप बता रहे हैं स्कीम की कंप्लेंट रेरा में हो सकती है, बट इसमें अगर वो रेरा में जो जो पार्ट पोजिशन उन्होंने लिया है उसका उसी पहले आ चुका होगा उस पार्ट पोजिशन का, तो वो रेरा के प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा। बट फिर भी इसकी कंप्लेंट रेरा में की जा सकती है किया जा सकती है। करीना सिंह है दिल्ली से, वो कहती है मैं होम लोन इज पेंडिंग एंड द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड, आई हैव पेड ईएमआईज एंड इंटरेस्ट, इफ द प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड फर्दर विल इट रेज द टोटल कॉस्ट? देखिए, ये प्रोविजन रेरा में भी रखा गया है कि अगर बायर के पास ऑप्शन है कि वो कंटिन्यू करना चाहे कंटिन्यू करे, या फिर जो भी एसबीआई के जो लैंडिंग रेट है उसको चाहे तो रिफंड मांग सकते हैं, या उसके ऊपर पेनल्टी का क्लॉज भी डाला गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लिमिट से ज्यादा का डिले होगा तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8% के आसपास जो रखा गया है वो डेवलपर को एंड यूजर को पे करना पड़ेगा। तो आप अपने कंपनसेशन उस पर डेवलपर से बात कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट भी रेरा के अंदर होगा अगर कोई पोजीशन नहीं किया तो। प्रवीण जी, एक्चुअली ग्राउंड में ये सिचुएशन है कि अभी सब चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो और ये नहीं कि जो पहले इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा निकाल लें, और हम लोग भी अपने डेवलपर्स मेंबर्स को सारे ये लोग हम लोग सेमिनार करते रहते हैं। अब ये देखिए 2012 के बाद से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या पूरे देश की बात करें तो पिछले 5 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुए। 2009 से 2012 के बीच में जो नंबर्स थे और 2012 से 2017 के बीच में करेंगे मेरे ख्याल से 10% नंबर्स भी नहीं होंगे जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। आज की तारीख में सारे डेवलपर्स भी प्रेशर में हैं और वो चाहते हैं कि वो डिलीवर हो, और मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल के अंदर बहुत सारी इन्वेंट्री हैंड ओवर हो जाएगी और नई इन्वेंट्री आने वाली नहीं है बाजार में भी। तो ये बायर के लिए भी राइट टाइम है प्रोजेक्ट करने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अगले वो टीजिंग प्रॉब्लम है अगले 1-1.5 साल की वो चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो आप ये चाहते हैं कि बायर्स थोड़ा रिस्ट्रेंट रखें, वेट करें क्योंकि प्रोजेक्ट आपको लगता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे? अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट पे काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है रेरा के बाद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप वो हमसे भी बात कर सकते हैं, वो हमें भी उसका हमारा जो सर है उसको भेज सकते हैं और आपके माध्यम से भी आ सकते हैं कमेंट हमारे पास, हम लोग उसको देखेंगे क्या हो सकता है। प्रवीण जी, हमारा ये टॉपिक आज का नहीं था, फिर भी एक कंज्यूमर ने एक क्वेरी उठाई है, आप शायद आंसर करना चाहें। व्हाट इज योर टेक ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस अगेंस्ट सर्टेन डेवलपर्स? आप क्या समझते हैं इंसॉल्वेंसी से कंज्यूमर के लिए बेटर रहेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगी? अभी सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग आ गया कि कुछ बायर्स को अपना पैसा वापस कर दें, तो आपका नैरेटिव का क्या स्टैंड है इंसॉल्वेंसी? देखिए, इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंटरव्यू नंबर आगे करना पड़ेगा कि अगर जहाँ पर भी इंसॉल्वेंसी में जैसे अभी जेपी का आया है जो प्रोजेक्ट चले गए हैं इंसॉल्वेंसी में,
वो टाइम 200 सितंबर का टाइम है टोटल उसमें जाने के बाद उसमें पूरा एसेस करेंगे कि भाई कितना लाइबिलिटी है और कितना एसेट्स है। अगर वो एसेट्स बिल्डर के पास ज्यादा है लाइबिलिटी से तो कंज्यूमर को बताने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर जो मेरे हमारे डेवलपर से बात हुई है उनके पास एसेट ज्यादा है, कैश फ्लो खराब है, कैश फ्लो खराब होने की वजह से वो इंसॉल्वेंसी में चला गया क्योंकि वो इंटरेस्ट भी नहीं पे करवा रहे थे और इंस्टॉलमेंट भी जो प्रिंसिपल था वो नहीं पे करवा रहे थे। बट गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरवीन इसमें करना पड़ेगा, हो सकता है कि इसमें एसेट्स खरीद लें। ये बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए, बट मुझे लगता है इसमें बायर को डरने की जरूरत नहीं है, बायर का पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ हो जाए सेफ रहेगा, बट थोड़ा टाइम जरूर इसके अंदर लग सकता है। आपको क्या लगता है ये सारा सॉर्ट आउट होने में ताकि कंज्यूमर को कुछ क्लैरिटी मिले कितना टाइम लग सकता है? देखिए अभी मुझे लगता है और 3-4 महीने और लगेंगे, 3-4 महीने बाद सारी क्लैरिटी आएगी। जब तक ये असेसमेंट नहीं होती, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी असेस नहीं होंगे तब तक बड़ा कहना कोई भी चीजें मुश्किल है। अगर उसके पास एसेट बहुत ज्यादा है उसकी लायबिलिटी से तो कंज्यूमर को घबराने की कोई बात ही नहीं, और अगर एसेट्स कम है तो फिर देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या रहेगा। Consumers, you have to bear up with the authority. There's a lot of conversation going on between the lenders, the developers, the authorities, and there is an effort to make sure that projects are getting through to completion. There are many stages of negotiations and many stages of projects and many kinds of developers, but there is an overall effort to make sure that projects go through to completion. And while each case is different, I think the general direction is that we want to keep projects completed. Pravinji, current question is, where can you find RERA compliant brokers in the market, and do developers promote that their brokers should be RERA compliant? Yeah, brokers का दोबारा question repeat करेंगे? Pravinji ये पूछते हैं कि आप जिस रजिस्ट्रेशन करवाया है नहीं करवाया, या ब्रोकर से जब भी कोई डील करें उनसे उनका सर्टिफिकेट के अंदर मांग लें, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं आप तब उनसे डील करें। तो ये तो बायर को भी थोड़ा सा एजुकेट इसमें होना पड़ेगा कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो वो उस ब्रोकर से बात करें जो प्रोजेक्ट के लिए और साइज वो प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए, या वो रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, और ऐसे ही जो प्रोजेक्ट खरीदे वो रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो या उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका हो। तो सोनल ग्रेटर नोएडा से पूछती हैं, द लेआउट ऑफ माय प्रोजेक्ट हैज बीन चेंज्ड, there is a tower just next to my flat and the left side view is completely blocked, what should I do? Dekhi jab inhone property purchase ki thi us waqt kya scenario tha, agar us waqt green tha, green ko utha ke unhone tower bana diya to wo legally allowed nahi hai, uski RERA mein complaint ho sakti hai authority mein bhi, rather RERA mein complaint kare aisa developer without consent jab tak agar kisi bhi plan ke andar koi bhi changes developer ko karne hai to jab tak 70% कंसेंट ना हो तो कोई भी डेवलपर उसको चेंज नहीं कर सकता। सेल के टाइम पर जो भी दिखाया गया था आपको, आप उसको इंश्योर करने की वही प्लान आपको रहेगा। अगर कोई भी चेंजेस होगी तो आपकी कंसेंट से होगी, विदाउट योर कंसेंट कोई भी डेवलपर चेंज नहीं कर सकता, उसकी कंप्लेंट RERA में जा सकती है। तो आप RERA में जाएं और अपना कंप्लेंट लॉज करें और इस रेरा के खिलाफ मुझे भी अच्छा लगा उसके लिए। RERA ही सबसे अच्छा फोरम है जहाँ ये जाके कंप्लेन करें। जी अभी इनिशियली RERA ही है, RERA में नहीं होगा तो फिर ट्रिब्यूनल में या अपीलेंट अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, बट इनिशियली RERA ही है। देयर इज अ कंज्यूमर हु सेज, साइदत समंग टॉकर हु सेज, आई हैव एग्रीमेंट्स टू सेल 2 इयर्स बैक, द बिल्डर डिमांड्स 12% जीएसटी फॉर द फाइनल सेल डीड बट द ओसी इज नॉट टेकन। अगर ओसी नहीं है फाइनल पे करके 12% पे इनको जीएसटी देना चाहिए? नहीं, इसमें भी क्या है कि अगर इन्होंने पैसे नहीं दिया था, अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया है और सारा डेवलपर और जुलाई तक सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था तो वो लाइबिलिटी डेवलपर के ऊपर आएगी 12% चार्ज करने की और पे करने की। अगर उन्होंने जो पैसा गवर्नमेंट जो पैसा डेवलपर को दे चुके थे 60-70-80% उसके ऊपर डिमांड नहीं आएगी,
तो ये डिपेंड करता है कि वो अगर वो प्रोजेक्ट जुलाई से पहले कंप्लीट हो गया या अब कंप्लीट कंडीशन स्टेज पर है, क्योंकि अभी तो 2 महीने 3 महीने हुए हैं, अगर वो बिल्डर डिमांड कर रहा है तो वो जायज डिमांड कर रहा है, बट इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं डेवलपर के साथ बैठ के, बहुत सारे लोग डेवलपर भी, क्योंकि उनको भी लगता है कि आज स्ट्रेस में है चीजें और वो लोग नेगोशिएट कर लेंगे अगर इन्होंने वो, बट जो पैसा पहले दे चुके हैं जीएसटी आने से पहले डेवलपर ने दे चुके हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, और सिर्फ आउटस्टैंडिंग पर चार्ज कर जाएगा। मगर उनके पास अभी ओसी नहीं आया है, लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट ओसी के बाद ही मान सकते हैं या ओसी से पहले भी मान सकते हैं? नहीं, वो उनके टर्म्स जो उनका फ्लैट वायर एग्रीमेंट का टर्म्स कंडीशन है वो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर इन्होंने फाइनल इंस्टॉलमेंट ओसी के बाद मांगी है या ओसी से पहले मांगी है, वो फ्लैट वायर एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आने वाले टाइम के अंदर जो अब रेरा के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट होंगे उसके अंदर तो कंप्लीशन के साथ ही लिंक किया गया है। वो सब देखना पड़ेगा। जैसे अगर हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने वो स्कीम उनकी वेरी बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है कि कोई भी डेवलपर किसी भी अफोर्डेबल स्कीम के अंदर कभी भी विड्रॉ कर सकता है, सिर्फ 25,000 डेवलपर को राइट है, 25,000 रुपए काट के वो पैसा वापस करने पड़ेंगे। तो इनका ये एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट कहाँ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल में है या जनरल कैटेगरी की प्रॉपर्टी है और वो कितना पैसा दे चुके हैं। एंड एक लॉयर को जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको देयर इज अशोक साहू हु सेज I took a site 13 years back from a housing society meant for government employees. However, they did not develop the society. They fully depend on government's development policy. When the government comes forward to do some things, these society members ask for development charges. What should we do to deal with these scenarios? नहीं, ये developer का matter नहीं है, मुझे लगता है कोई cooperative society है जो बना रहे हैं, ये cooperative society में सारे members मिलके एक society बना लेते हैं और वो इन्हीं में से ही कोई हो गया मेंबर्स के अंदर ही, तो इसमें तो कमेंट्स बात मतलब देना मुझे क्लियर मुश्किल होगा मेरे लिए। अरविंद जी, ये भी तो रेरा में ही जाएगा, इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट दे हैव टू गो रजिस्टर देमसेल्फ्स अंडर रेरा नो मैटर हु यू आर, राइट? बिल्कुल ठीक है, रेरा में जाएगा, बट यहां देखिए सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में डेवलपर में सिर्फ ये फर्क है, डेवलपर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट या लॉस के लिए। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई भी प्रोजेक्ट डिले होगा तो उस पर लाइबिलिटी किसी इंडिविजुअल पे नहीं आएगी, वो सोसाइटी की तो लाइबिलिटी आएगी, अल्टीमेट वो फिर वो इंडिविजुअल पर जाएगी लाइबिलिटी। तो जो भी कॉस्ट बढ़ेगी वो कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी जब काम करती है वो नॉन लॉस नॉन प्रॉफिट पे काम करती है, तो जो भी बेनिफिट होगा या लॉसेज होंगे वो सारे मेंबर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो अल्टीमेट इसमें सोसाइटी और डेवलपर में फर्क आएगा। डेवलपर पे तो है तो लॉसेज उसकी कंपनी को बेयर करने पड़ेंगे या उसके प्रॉफिट उसकी कंपनी को जाएंगे, बट सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक बायर आए हैं, उन्होंने कहा है अभी हम देख रहे हैं क्रेडाई है, नारकुम है, आप सब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, सो द कंज्यूमर गो टू क्रेडाई एंड नारकुम फर्स्ट और शुड दे गो टू रेरा, हाउ कैन नारकुम इंश्योर सच ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट? जैसे मैंने बताया रिजर्वल सेल्स हमारे पास है करा हुआ, हमें कंप्लेंट कर दें जो हमारे मेंबर्स हैं तो हम कोशिश करेंगे रिजॉल्व हो जाए, अगर हमारे लेवल पर रिजॉल्व नहीं होती तब वो रेरा में जाए, बट बाकी वो ऑप्शन उनकी है कि किस तरह से करा जाता है, बट हम भी कोशिश पूरी कोशिश होगी हमारी कि वो रिजॉल्व हो जाए। मोनिका ने ये पूछी है, कैन आई क्लेम रिबेट इन केस आई हैव पेड जीएसटी एंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ माय फ्लैट? नहीं, उसका स्टेज नहीं इसमें डिफाइन किया गया है, कितने कितना बिलियन कितना बिल कर चुके हैं, कितना कलेक्शन हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया है जीएसटी ऐसे देख ली पूछना बड़ा मुश्किल है, वो पूरा इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसके बाद ही बता पाएंगे। मोनिका, यू हैव टू गिव द डिटेल्स टू एन एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट हु विल बी एबल टू रीड योर केस एंड देन टेल यू। प्रवीण जी विल नॉट बी एबल टू टेल यू बिकॉज़ देयर इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फॉर हिम टू बी एबल टू कमेंट ऑन। राज सिंह है, कहते हैं वी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट एबल टू गेट पोजेशन, कैन एनी वन ऑफ अस फाइल अ कंप्लेंट और बोथ हैव टू डू इट प्लीज? कोई एक भी फाइल कर सकता है, जरूरी नहीं कोई भी एक आदमी फाइल कर सकते हैं, तो जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि हम जॉइंट ओनर हैं और एसएसएम ने प्रॉपर्टी परचेज की।
Praveen ji, this is a larger question I'm asking you. Abhi Noida Authority ne kaha hai, Yogi ji ne kaha hai ki 50,000 units deliver hone chahiye. Chahe bahut sare developers ne completion ke liye apply kiya hai aur abhi aaya nahi. So what should consumers do? Do you think that there will be a lot of apartments thanks to politicians like them? Agar ye units agar jaldi se completion aa jaye, to aapko kya lagta hai market ka kya scenario rahega? Uske piche na bahut se reason hai, jo logo ne developers ne completion apply to kar diya hai, paper apply karne wali baat hai, usme authority ne occupation ya completion nahi diya. Kahin jagah ye hai ki wahan par lease money hoti hai, lease money nahi pay ki puri, aur without lease money department ye kehta hai ki pehle mujhe mera pura lease money de dijiye tab main occupation ke liye aapko permission dunga. इस तरह की चीजें हैं, बट उसमें भी डेवलपर ने पीछे नरेटको ने सब लोगों ने अथॉरिटी को ये भी कहा था कि आप पार्ट ऑक्यूपेशन दे दें और हमारा हम लीज में जमा करा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंड यूजर उसे सफर कर रहा है और डेवलपर्स भी प्रेशर में है. आज की तारीख में कैश फ्लो खराब है डेवलपर्स का, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो कितने रही है उस तरह से जितना लोगों ने काम किया हुआ है. तो इसमें जैसे योगी जी ने कहा कि आगे आ रहे हैं इस बात के लिए, उसका रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा जल्दी कि जो उसी नहीं आया तो उसका वजह क्या है. अगर सारे कंप्लायंस पूरी है तो जल्दी से जल्दी उसी दिया जाए, या जहां पर अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज है तो उसमें मैकेनिज्म ऐसा बन जाए कि उसमें डेवलपर के जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है उसको चार्ज क्रिएट करके एटलीस्ट उनको दे दिया जाए, जिससे एंड यूजर है वो परेशान ना हो, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए और एंड यूजर को बड़ा राहत मिलेगा उससे. एक्चुअली आई थिंक एंड यूजर्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है. वाइल पिछले 3-4 साल में बहुत परेशान थे, बहुत सारे एंड यूजर्स परेशान थे, अभी काफी रेजोल्यूशन की कोशिश हो रही है. जैसे प्रवीण जी ने कहा अगले 1-1.5 साल में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व भी होंगी. तो थैंक यू प्रवीण जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू कंज्यूमर्स फॉर कमिंग इन एंड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. कीप द क्वेश्चंस कमिंग, वी take it back to Praveen ji and we'll ensure that he's out. Thank you, sir. With that, I'd like to thank you for participating in this webinar session. Keep posting your queries at the Magic Bricks Real Estate Forum and get it answered by experts. www.magicbricks.com/forum. You may also write to us at editor@magicbricks.com. Thank you all. Thank you. Have a great day.